Let's do question number 13th of exercise 9b, that is linear equation 1 variable. Question number 13th is, solve each of the following equation and verify the answer in each case. हमें इसको solve करना है, verify करना है. तो हम अपनी equation लिख लेते हैं, x upon 4 minus 8 equals to 1. अब देखिए, कैसे करेंगे? अब हमें वेरिएबल टर्म तो इधर ही रखनी पड़ेगी और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड लेके जानी पड़ेगी. तो x अपॉन 4 हमारी वेरिएबल टर्म है और हम 8 दूसरी साइड ले गए तो प्लस का हो गया 8. तो ये कितना आ गया, x अपॉन 4 इक्वल्स टू 9 आ गया, क्योंकि 1 plus 8 is 9. अब देखिए 4 यहां डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 4 को इधर लेके जाएंगे तो x कितना आ जाएगा, 9 में मल्टीप्लाई हो गया 4. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 4 36. अब हम वेरीफाई करेंगे जो हमने वैल्यू निकाली है वो ठीक है कि नहीं है. तो x upon 4 minus 8 equals to 1 लिख लिया, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिखी जो कि है x upon 4 minus 8. अब x की जगह हमने क्या लिखा, 36 upon 4 minus 8, जो कि कितना आ गया, हमने 4 से डिवाइड किया 36 को. देखिए 4 1 4 4 9 36, तो ये 9 आ जाएगा. यहां करके दिखा रही हूं, 36 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 1 4 4 9 36, तो 9 लिख सकते हैं. तो 9 minus 8, हमें पता है 9 में से 8 गया 1, तो राइट हैंड साइड में हमारा 1 ही आ रहा था. देखिए तो हम कह सकते हैं कि जो हमने आंसर कैलकुलेट किया है उसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14th नाउ. क्वेश्चन नंबर 14th में भी हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और वेरीफाई करनी है. तो हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, x upon 2 equals to x upon 3 plus 1 equals to x upon 3 प्लस 1. अब हमें पता है वेरिएबल टर्म्स एक साइड लेके जाते हैं, तो ये हमारी वेरिएबल टर्म है, इसको हम इधर ही ले आएंगे लेफ्ट साइड पे. तो प्लस की थी x अपॉन 3, अब हमारी माइनस की हो जाएगी. तो x अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 आ गई. अब हमने ये सॉल्व करना लास्ट चैप्टर्स में सीखा है कि हम एलसीएम वाली वैल्यूज कैसे सॉल्व करते हैं. तो हम देखिए 2 और 3 का एलसीएम प्राइम नंबर है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 2 और 3 का एलसीएम लिया, आपस में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे डायरेक्टली, मैं करके दिखा रही हूं आपको. देखिए 3 1 3, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 * 3 2 into 3, that is 6 आ गया. तो यहाँ पे 6 लिख दिया नीचे 6. अब क्योंकि prime number है तो मैंने आपको बताया था इसकी multiply इसके साथ और इसकी multiply इसके साथ, तो हमने कहा 3 into x minus 2 into x equals to 1. तो ये कितना आ गया, 3x minus 2x upon 6 equals to 1. अब 3 में x और 2x दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स आपस में सबट्रैक्ट और ऐड हो सकती हैं. तो 3x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो आपस में सबट्रैक्ट हुआ तो x बच गया. 1x लिखें या x लिखें, बात एक ही है. तो x upon 6 equals to 1. आप देखिए 6 क्या है, डिवाइड में, तो उधर जाके काय का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा. तो ये इधर ले गए 6 को, तो x equals to 1 into 6 लिखें या 6 लिखें, बात एक ही है, राइट. तो x की वैल्यू हमें पता है कितनी आ गई, 6. अब हम वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई के लिए हमने अपनी इक्वेशन लिख ली, x upon 2 equals to x upon 3 plus 1. अब हम ना लेफ्ट साइड देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, x upon 2 थी और x की वैल्यू हमारी आई 6 upon 2, तो ये कितना आ गया, 2 1 2 2 3 6 3 आ गई. अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड देखेंगे तो वो थी हमारी x upon 3, देखिए इक्वेशन की राइट हैंड साइड x upon 3 plus 1, तो x की जगह हमने 6 लिखा upon 3 plus 1. अब देखिए हमें पता है 3 1 3 3 2 6, ऐसे तभी कट कर सकते हैं जब ऊपर नीचे वाले एक सेम नंबर से कटते हों, अदरवाइज आप एलसीएम लें और तब उसको कैंसिल करें, तब आंसर सही आएगा. तो देखिए ये कितना आ गया, 2 plus 1 that is 3. अब देखिए मैं यहां पे जो चीज बता रही थी
ये वही बता रही हूँ, 6/3+1। अगर मैं एलसीएम लेके भी करती तो भी सेम आता। ये सिर्फ इस केस में एप्लीकेबल है क्योंकि ये सेम नंबर से ऊपर नीचे कट रहा है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल टू डिडक्ट। तो देखिए 6 एज इट इज आ जाता, प्लस 1 में 3 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाता, 6+3 × 3/3। तो ये कितना आ जाता, 9/3, क्योंकि 6+3 कितना होता है, 9। अब देखिए 3 × 3, 3 × 3 = 9, सेम आंसर आता। तो मैंने उसको पहले कैंसिल कर दिया फिर ऐड कर लिया, राइट। तो अब देखिए लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो हम कह सकते हैं जो हमने कैलकुलेट की है एक्स की वैल्यू दैट इज 6, वो हमारी सही है क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है आंसर।